हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बाद पोस्ट मौर्यन वाले, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें हमने मौर्यन डायनेस्टी उसका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सोसाइटी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम पोस्ट मौर्यन देखेंगे और इसको प्री गुप्ता ही बोलते हैं, क्योंकि गुप्ता एरा के स्टार्ट होने से पहले पहले कुछ डायनेस्टी आई थी। जैसे उतना फेमस डायनेस्टी ये नहीं रहा था। इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक कुछ जो अपने देश वाले थे या और कुछ लोग थे जो विदेशी आके धमक गए थे नॉर्थ वेस्ट से आके। इसमें सबसे पहला आता शुंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नेटिव रूलर, जिसमें आता है सुंग डायनेस्टी। उसके बाद कानवा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी और एक चेदी डायनेस्टी थी जो कि उड़ीसा वाले एरिया में थी। क्लियर? तो हम चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी की बात करें, मौर्य के बाद जो नेटिव सक्सेसर थे, मतलब मौर्य का जो सक्सेसर था मौर्य के बाद आया, उसमें सबसे पहले था सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी लगभग 185 BC में मौर्यन ख़त्म हुआ था, उसके बाद आए थे। एक्चुअली मौर्य को ख़त्म करने वाला ही सुंग डायनेस्टी था। जो मौर्य का लास्ट राजा था ना, मौर्य का लास्ट राजा बृहद्रथ, उसको मार गिराया सुंग डायनेस्टी के पुष्पमित्र सुंग ने, मतलब पुष्पमित्र सुंग ने मार गिराया और उसके बाद अपना एक नया डायनेस्टी बनाया। अब क्वेश्चन होता है पुष्पमित्र सुंग थे कौन? भाई वो बृहद्रथ जो थे, उनके बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ का मतलब है उसके सेनापति थे, सेनापति थे और ये एक ब्राह्मण थे। इसके बाद बोला जाता है कि इसके बाद एक ब्राह्मण डायनेस्टी आया बहुत समय बाद। क्लियर? तो ब्राह्मण पुष्यमित्र वॉज ए स्टॉन्च एडरेंट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे और बहुत चाहते थे हिंदू धर्म को बढ़ाना। लेकिन एक चीज़ बात याद रखना कि बाकी धर्म के खिलाफ भी टॉलरेंट थे, ऐसे नहीं बाकी को गिरा के अपना उठना नहीं। हाउएवर उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा भी बनाया जो कि बरहुत में है, MP में। और एक और जिनका कैपिटल था वो था विदिशा, विदिशा MP में उनका कैपिटल था। पुष्यमित्र सिंगा सुंग का के बाद उनका बेटा आया जिसका नाम है अग्निमित्रा। अग्निमित्रा का नाम याद रखो, एक किताब है कालिदास जी की, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रा, मालविक अग्निमित्रा। इस किताब में जो अग्निमित्र है ना, दो, एक लड़का और एक लड़की का स्टोरी है मालविका और अग्निमित्रा का। तो अग्निमित्रा यही है राजा, यानी कालिदास के एक किताब के, कालिदास का एक नाटक हम समझ लो, कालिदास के एक ड्रामा है, उसके हीरो कौन है? अग्निमित्रा। क्लियर? और एक क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। आफ्टर अग्निमित्रा अ सीरीज ऑफ वीक रूलर सच एज वासुमित्रा, वज्रमित्रा, भागभद्रा, देवाभूति, ये सब आए और इसके कारण डिक्लाइन हो गया, मतलब कमज़ोर थे। देवाभूति आप थोड़ा याद रखना क्योंकि आगे इसका नाम, इनका नाम याद आएगा। ड्यूरिंग द रूल देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ ब्राह्मिनिकल इन्फ्लुएंस, ब्राह्मिनिकल इन्फ्लुएंस का रिवाइवल हुआ। पतंजलि जो कि ऑथर थे किसके? महाभाष्य के। उनका जन्म हुआ था गोंदारा में, सेंट्रल इंडिया में। सिंपल याद रखो, पतंजलि है वो किस किताब के लेखक थे? महाभाष्य के, बस इतना ध्यान रखना। पतंजलि दो यज्ञ करवाए थे, कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ नहीं होता है जब अश्व घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, अश्व को छोड़ दिया जाता है, कि अगर दूसरे देश वाले, दूसरे स्टेट वाले इस घोड़ा को रोक दिए, इसका मतलब वो लड़ाई करना चाहते हैं, नहीं रोके इसका मतलब उसने पुष्यमित्र सुंग का अथॉरिटी मान लिया कि सर आप ही राजा हो, हम लोग तो आपके अंदर ही है। इन आर्ट्स द बरहुत स्तूपा इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ सुंगा पीरियड। क्लियर है? द फाइन गेटवे रेलिंग विद द सराउंडिंग द सांची स्तूपा। एक चीज़, सांची स्तूपा बनाया गया था सोका के दौरान, लेकिन इसको गेटवे, फाइन गेटवे, जो तोरांस नहीं बोलते, तोराना जो गेटवे वगैरह को, या जो चारों तरफ उसके रेलिंग बनाते हैं स्तूपा के रेलिंग को, वो रेलिंग सब बनवाया था सुंग डायनेस्टी ने। अदर एग्जाम्पल जो सुंग आर्ट के है, जो जैसे बिहार जहाँ पे क्या होता है, बुद्ध धर्म के लोग, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो वहाँ पे ठहरते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, आराम करते हैं। चैत्या में वो क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं।
भाजा जो कि एक जगह है पुणे में, भाजा, वहाँ पे उन्होंने स्तूपा बनाया, अमरवती स्तूपा, नासिक चैप्टर, यहाँ पे कहीं कहीं जहाँ पे बनवाया और कहीं कहीं जो और ज़्यादा जो थोड़ा उनमें डेकोरेशन का काम करवाया या कुछ उसमें एक्स्ट्रा लगाना होता है वो लगवाया। क्लियर? तो हमने सुंग डायनेस्टी का देख लिया। अब सुंग डायनेस्टी हमने देख लिया। अब संग डायनेस्टी के बाद आता कौन है? संग डायनेस्टी के बाद आता है कानवा, कानवा डायनेस्टी है। और कानवा डायनेस्टी से हुआ क्या? कानवा डायनेस्टी कुछ ही समय बाद थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, तो साउथ में डेक्कन वाले एरिया में, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ इंडियन था, जैसे ही सुंगा कमजोर कम सुंगा के बाद कानवा आया, कानवा जैसे ही थोड़ा कमजोर हो गया, तो कुछ ही समय बाद डेक्कन एरिया में एक नया राजा आ गया, सातवाहना डायनेस्टी वाला। क्लियर? तो दोनों हम साथ ही देखेंगे। तो कानवा डायनेस्टी जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, इसका जो पहला राजा था देवभूति, देवाभूति जो सॉरी देवाभूति मैंने याद करने के लिए बोला था ना आपको नाम, देवभूति, देवभूति ये वाला देवभूति, ये था लास्ट राजा किसका? सुंग डायनेस्टी का। अब होता क्या है, सुंग डायनेस्टी का लास्ट राजा है देवभूति, उसको मार गिराया जाता है वसुदेव के द्वारा, और फिर उन्होंने अपना एक डायनेस्टी बनाया है कानवा डायनेस्टी। बहुत कम समय तक चला है डायनेस्टी, ऑलमोस्ट कितना साल होगा, 47 साल। क्लियर? अब आता है डायनेस्टी कौन सा आता है, सातवाहना डायनेस्टी। बहुत लंबा चला है डायनेस्टी, ऑलमोस्ट कितना हुआ, 260 285 साल रहा। इसकी कैपिटल थी, इसका नाम महाराष्ट्र में एक जगह है प्रतिस्थान और पैठान, यहाँ पे जगह है महाराष्ट्र में, इसके कैपिटल थी। जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्यन, क्योंकि सुंगा और कानवा देख रहे हो आप कैसे आए गए इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, वेयर सतवाहना, द सतवाहना वॉज कंसिडर्ड टू बी द आइडेंटिकल विद आंध्रा, जो आंध्रा हम लोग सुनते हैं उसके आइडेंटिकल है। पुराण में ऐसा लिखा, पुराण्स में लिखा हुआ, जो आंध्रा पुराण्स में लिखा हुआ है ना, पुराण्स में जो आंध्रा वर्ड दिया हुआ है वो सातवाहना के लिए दिया हुआ है। द अर्ली सातवाहना किंग अपियर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन महाराष्ट्र वेयर मोस्ट ऑफ द अर्ली इंस्क्रिप्शन आर फाइंड। ध्यान रहे मैं बता रहा हूँ कि जो सातवाहना के अर्ली सातवाहना थे, जो सातवाहना के शुरू के राज थे, वो आंध्रा में नहीं थे, वो महाराष्ट्र में थे। मतलब ऐसे समझ सकते कि शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ, बाद में वो आंध्रा की तरफ ही आ गए। सबसे पहला राजा था जो सतवाहना का, वो है सिमुका। सिमुका कब से कब तक रहते, 60 BC से 37 BC तक, वो जो फाउंडर ऑफ सतवाहना, बस इतना याद रखो। उसका सतकर्णी आते हैं, थर्ड रूलर है। सतकर्णी ने अपना पावर और प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। उसके बाद जो सबसे 17th रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते थे हाला, हाला बोलते हैं। और जो ये रूलर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब किताब उताब भी लिखी है। वह द ऑथर ऑफ किसके, गथा सप्तशती, गथा सप्तशती या सत्तसाई इसको बोला जाता है। किसके लेखक थे, गथा सप्तशती और सत्तसाई के लेखक थे। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृत में। उसके बाद हाँ, गुंधिया द ऑथर ऑफ बृहद कथा वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ हाला। अब एक चीज़ आपसे सिंपल पूछ सकता है कि गुंधे बताइए सातवाहना डायनेस्टी के किस राजा के कंटेम्प्ररी थे। तो आप इसे एक भी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गुंधिया जो एक लेट राइटर थे, या सिंपल पूछे बृहद कथा, बृहद 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 कथा, बृहद कथा जो कि लिखा गया प्राकृत में, उसके राइटर कौन है, गुंधिया। इट वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि आए थे लगभग 106 AD में, हु रिवाइव, उन्होंने सातवाहना को फिर से रिवाइव किया और डिफीटेड द सका छत्रपा नाहापना, इसको हराया, सका छत्रपा नाहापना को हराया। और ही वॉज ए ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर, एक 23rd थे। उसके बाद 24th आता है, 24th का नाम है वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी। देख ध्यान देना यहाँ पे जो मदर का है बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे श्री सतकर्णी, इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी मदर का नाम था, ऐसे ऐसे चीज। क्लियर?
जैसे गौतमी, गौतमी मदर का नेम था, तो वशिष्ठ पुत्र, तो वशिष्ठ मदर का नाम रहा होगा। 24th रूलर है, इन्होंने ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ सका छत्रपा रुद्रदामन। देखो रुद्रदामन के बेटी से इन्होंने शादी किया, और बट डिफीटेड बाई हिम ट्वाइस, लेकिन रुद्रदामन ने इनको दो बार हरा भी दिया। उसके जो लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम है याजना श्री सतकर्णी, और जो सबसे लास्ट रूलर थे 30th पुलामयी थ्री। तो इसमें आपको सारे राजा के बारे में नहीं याद रखना है, लेकिन जो राजा ने किताब लिखा, जिसके कंटेम्प्रेरी थे, ये सब तो हमें याद रखना ही पड़ेगा ना। क्लियर? तो अब सातवाहना के बाद कौन है? सातवाहना के बाद आते हैं ईश्वर, इस वाकूज, और जो 3rd सेंचुरी। सातवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एमोनिटीज टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मंक। मतलब ब्राह्मण को भी और बुद्धिस्ट मंक को इन्होंने देना क्या से क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज देना शुरू किया, विच इवेंचुअली वीकेंड द अथॉरिटी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देने लगे तो आपकी अथॉरिटी तो थोड़ा कमज़ोर हो ही जाएगी। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी। अब आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता कि 1st सेंचुरी BC में जो लैंड ग्रांट पहली बार दिया गया था। सातवाहना ने बहुत सारा चैत्य बनवाया, चैत्य में वर्शिपिंग हॉल होता है, मैं बता चुका, विहार जहाँ पे मोनेस्ट्रीज लोग रहते हैं, मॉन्क वगैरह वेर कटर, और उसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में बहुत सारे इन्होंने क्या बनाया, केव बनवाया, गुफा जहाँ पे वो रह सके, जैसे नासिक का, कान्हारी का, कार्ले का। स्तूपा भी बनवाया। स्तूपा क्या होता है? स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि सैक्रेड रिलिक, वहाँ पे अस्थियाँ खड़ा रखी जाती है, महात्मा बुद्ध या लोग जो बुद्धिजन धर्म को मानते हैं उनका होता है। एक सेकंड। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस एट्रीब्यूटेड टू सातवाहना, अमरावती का स्तूपा बहुत फेमस है, नागार्जुन कोंडा का बहुत फेमस है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था इसका? प्राकृत। क्लियर? ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत। और एक और चीज़, बहुत सारे कॉइन थे, जैसे कॉपर, ब्राउन्ज, ये सब में कॉइन है, पोतीन, ये सब कॉइन थे। उसके बाद बात करते हैं हम चेदी डायनेस्टी की, जो कि कलिंगा के थे। द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इज सराउंडेड इन ऑब्सक्यूरिटी, ए न्यू डायनेस्टी है चेदी रोज इन द रीजन, प्रोबेबली द 1st सेंचुरी BC। क्योंकि जैसे ही अशोका डेथ हुआ, कमज़ोर हो गया मगध, मौर्य डायनेस्टी कमज़ोर हुआ, तो इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टी इज डिराइव सोलली फ्रॉम द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एक मिलता है, कौन लिखा हुआ है? खाराबेला। खाराबेला कौन थे? इसके इसी डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी के थर्ड रूलर हैं। चेदी डायनेस्टी के थर्ड रूलर है खाराबेला। खाराबेला ने इतना चीज लिखा है कि उससे बहुत कुछ पता चलता है, यानी हाथी कुंभा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चलता है। ये फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। खाराबेला बहुत लिबरल थे, पैट्रोन थे जैन मॉन्ग के, और फॉर हुज रेसिडेंस ही कंस्ट्रक्टेड केव ऑन द उदयगिरी में केव बनवाया, भुवनेश्वर, उड़ीसा, इन सब जगह पे। मतलब उदयगिरी हिल है, उदयगिरी हिल कहाँ पे है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है, तो वहाँ पे केव बनवाया। तो बस इतना ही है। क्या किस किस डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया? शुंगा डायनेस्टी, कानवा, सातवाहना, उसके बाद चेदी डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी में हमने क्या क्या डिस्कस किया? उसकी सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए। सुंगा में पुष्यमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्रा के से रिलेटेड एक किताब है, मतलब एक ड्रामा है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, मालविका अग्निमित्रा। पतंजलि है, पतंजलि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, किसके समय में? पुष्यमित्र के समय में। कान्वा डायनेस्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसका जो फाउंडर था वासुदेव था, शुंग डायनेस्टी के लास्ट राजा को, देवभूति को उन्होंने मार दिया रहा था। उसके बाद सातवाहना, जिसका कैपिटल था प्रतिस्थान या पठान बोलते हैं, और वो बहुत फेमस था डेक्कन सेंट्रल इंडिया में। स्टार्टिंग में वो तो सिर्फ महाराष्ट्र वाले एरिया में था, क्योंकि उनके कैपिटल से पता चलता है। लास्ट में वो आंध्रा एरिया में भी गए। सिमुका पहला फेमस था, मतलब पहला फाउंडर था सिमुका, सतकर्णी थे उसका। हाला, हाला इसलिए फेमस है कि उन्होंने किताब लिखी है, गथा सप्तसती और सत्यसाई दोनों एक ही बुक है, प्राकृत लैंग्वेज में। ऑब्वियसली प्राकृत वहाँ का लैंग्वेज था डायनेस्टी का। गुंधिया उसके
कंटेम्प्ररी थे। उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, उन्होंने सातवाहना पावर को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी आए, या जाए और ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और यही है प्राकृत उसका ऑफिशियल। चेदी चेदी डायनेस्टी का जो थर्ड रूलर था करवेला, खारावेला, खारावेला ने हाथों की गुफा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है बहुत कुछ। और ये जैनिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने उदयगिरी केव पे में बनाया, उदयगिरी केव में रहने के लिए जगह बनाया भुवनेश्वर में। क्लियर? तो फॉरेन सक्सेसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।